सिविक सेंटर में आयोजित राज्य एवं केंद्रीय कार्यालयों की विभिन्न संगठनों के द्वारा नई पेंशन योजना के विरुद्ध एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना नीति को सही ठहराते हुए उसे पुनः लागू करने की मांग की। पुरानी पेंशन योजना को सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर इसे पेंशनधारी एवं उनके परिजनों के प्रति हितकारी एवं लाभकारी योजना बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने इसका समर्थन किया। सिविक सेंटर में आयोजित किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी एवं केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के सदस्य एवं पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान एक सभा का आयोजन भी किया गया। बताया भैया जो आज आप लोग आज सिविक सेंटर के इस प्रांगण में NMOPS को लेकर के NMOPS एक ऐसा संगठन है जो न्यू पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लगाई है उसके अगेंस्ट में है और जो पुरानी पेंशन स्कीम उसको बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहा है। क्योंकि पुरानी जो पेंशन स्कीम उससे आदमी की जो सामाजिक सुरक्षा थी और लास्ट पे था जो उसका 50% देने के साथ ही साथ पेंशन के जितने भी बेनिफिट वो सब मिल रहे थे, मगर जो नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू की है और अभी 13 से सारे लोगों पर उसको लागू कर दिया गया है उसमें ना तो फंडिंग मैनेजर का पता है और जो पैसा कंट्रीब्यूटी ये स्कीम है और कंट्रीब्यूशन में जो पैसा कर्मचारियों का जा रहा है और जो गवर्नमेंट दे रही है वो पैसा जो है वो शेयर मार्केट में और प्राइवेट संस्थानों में उसका निवेश किया जा रहा है। अर्थात जब आदमी रिटायर्ड होगा 30 साल के बाद तो उसकी गारंटी नहीं है कि उसको जो पेंशन है वो मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो इसको लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन की शुरुआत हुई है NMOPS के तहत, जिसमें डिफेंस, रेलवे, पोस्टल और राज्य कर्मचारी सारे शामिल हैं और वे चाहते हैं कि नई पेंशन स्कीम रद्द हो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू। आपका नाम? मैं अविनाश कामले, जनरल सेक्रेटरी GCF समिति। एक पांडे जी की